गाइज वेलकम टू द चैनल। और हम नहा धो लिए हैं यार, थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं, थोड़ा सा लेट उठे थे, सो दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग लिटिल स्लीपी। सो गाइज आज जाने का तो प्लान था पैंगोंग का, बट किसी ने हमें बोला रात को, हम घूम रहे थे लेह मार्केट में, तो किसी ने हमें बोला कि पैंगोंग में मौसम बहुत ख़राब है और वहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह हो सकती हैं। सो वी गॉट स्केयर्ड क्योंकि हमें ऑलरेडी पता लगा है कि हिमाचल में बहुत बुरा हाल है। सो हम नहीं चाहते थे कि हम कहीं पर अटक जाएँ या कुछ। यार आज मैं बहुत हाफ रही हूँ, पता नहीं क्यों, बिकॉज येस्टरडे आई हैड अ लॉट ऑफ फूड विच इज़ टू ऑयली। अब मुझे लग रहा है इस चीज़ का कि वी शुड बी ऑन लाइट डाइट, स्पेशली जब आप लेह में हो। सो आई विल कैच यू गाइज आफ्टर सम टाइम, आई विल शो यू हाउ द रूम लुक्स लाइक, द न्यू रूम। सो गाइज मैं दिखाती हूँ आपको हमारा रूम कैसा लगता है। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक। रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और दो लोगों के हिसाब से तो आई गेस इनफ स्पेस है इस रूम में। सो ये वॉशरूम है और ये रूम हमें बाय द वे पड़ा है सिर्फ 800 रुपये में, और ये आपको पड़ेगा अपर करजू रोड पे। इस प्रॉपर्टी का नाम है करजू गार्डन हाउस। और एक झलक आज के बादलों की ओर। ठीक है यार, मतलब आई डोंट सी ब्लैक क्लाउड्स बट व्हाइट क्लाउड्स, जिसमें रेन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट सो फार सो गुड। गाइज मैंने अभी अभी कहा था कि आज का मौसम थोड़ा सा बेटर है, बट नाउ आई सी थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है यार, मतलब क्या हो रहा है ये हमारे साथ, व्हाट इज़ हैपनिंग, कहीं जाएं या ना जाएं। तैयार होने के बाद अगर आप देखोगे बारिश हो रही है, शिट यार अब ये नहीं होना चाहिए। गाइज आप पीछे का व्यू देख पा रहे हैं, मैंने जानबूझ के ऐसे कैमरा होल्ड करा हुआ है ताकि आप थोड़े से क्लाउड्स देख सकें। अगर मैं ऊपर कर दूंगी तो ये रही मैं और ये रहा आसमान। मैं वापस होटल की ओर जा रही हूँ क्योंकि मैं अपना बैग भूल गई हूँ। सो ये रहा गाइस जहाँ हमें जाना है, ये है लेह पैलेस। शायद मेरे हिसाब से तो यही है क्योंकि अभी जितने लोकल्स ने बताया उन्होंने यही बताया कि यही जगह है जहाँ हमें जाना है, बट जाना कैसे है विल फिगर दिस आउट। आपको दिखाती हूँ ऊपर पहुँच के कैसा लगता है। अभी हमने पूछा है किसी लोकल के यहाँ से, तो उन्होंने कहा है यहाँ से कुछ 6 से 7 किलोमीटर हमें ऊपर क्लाइम करना है, थोड़ा सा चढ़ना है। ये क्या है भैया? कुलचा। और वो खमीरी रोटी। सो गली थोड़ी सी नैरो हो रही है जब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ले ओल्ड टाउन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। सो यार ये तो मार्केट का रास्ता है। भैया ले पैलेस किधर होगा? ये तो हॉर्ड रोड। किधर? इधर से रोड, यहाँ से जैसे यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा। थैंक यू। इधर से बाबा। सो यहाँ से हमने एंट्री ली है जहाँ से शायद रास्ता शुरू हो चुका है ले पैलेस का, बट ऐसे ही सम कंस्ट्रक्शन ओवर देयर। क्या यार कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कहाँ जा रहे हैं। चलो लेट मी फिगर आउट, फिर आपको दिखाती हूँ। यार ये कुछ छोटी छोटी गलियां हैं जहां से हम निकल रहे हैं। ओ माय गॉड लुक व्हाट आई सॉ, अलियंस फ्रांसेज ले हिमालय टूअर डू मोंट। यार अभी हम बीच में भी नहीं पहुंचे, बाप रे गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कहां पर हैं हम। आई विल शो यू, वेट। राजा का महल देखने के लिए, बाप रे थकान हो रही है यार बहुत, सांस भी फूल रहा है यार। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, मतलब शायद ही मेरा फोन कैप्चर कर पाएगा, बट ऊपर आने तक फट गई भाई, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है यार। सुबह से एक ब्रेड ऑमलेट खाया था, मैं सोच ही रही थी कि यहाँ कुछ खाने का हो और मिला, लेकिन वो भी बंद। ये रहा एक छोटा सा कैफ़े, ओल्ड टाउन कैफ़े, जो कि बंद है।
बहुत स्केरी रास्ता है, आप ऊपर आ जाओगे बट यहाँ सारी मिट्टी है रपटने वाली सारी, ये देखो, और ये रास्ता बहुत ख़राब है यार। सो जब भी आप आओ वहाँ प्रॉपर शूज़ पहन के आना जिनकी ग्रिप अच्छी हो। अभी थोड़ा और ऊपर बाकी है यार, ऊपर जाके दिखाती हूँ यार। 1 किलोमीटर गलत चले गए, सो फाइनली ये है एंट्रेंस ले पैलेस की। गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग कुछ बाहर बैठे कर रहे हैं, शायद वो थेमो मोनेस्ट्री है। यहाँ पर तो 25 रुपए है पर पर्सन की टिकट ले पैलेस में आने के लिए। बालकनी आई वुड से जहाँ से आप व्यू एंजॉय कर सकते हो खड़े होकर, ये वही साइड पॉइंट है जो नीचे से था, बट आई हैड प्रेफर कि मैं ऊपर आऊँ, इसलिए है ये गो। सो गाइस हम नीचे उतर चुके हैं ले पैलेस से, इतना कुछ खास नहीं है हम लोगों के लिए, मतलब आई डोंट थिंक सो कि यंग जनरेशन इसे इतना ज़्यादा इंजॉय करती है। वन टाइम इट्स स्टिल फाइन If anybody wants to explore की exactly है क्या ले पैलेस में, so it's still fine। हमने देखा कुछ 10-15 मिनट लगा के कि क्या है क्या नहीं है। एंड गाइस 25 रुपए की इज द टिकट विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये कितना साइज है मुझे आइडिया नहीं, आप छोटी दे दो। तो हम नीचे आ गए हैं सेम शॉप पर, और पैसे भी बता देना कितने कितने हैं। अच्छा, सो रास्ते में हमने ये कुलचा और खमीरी रोटी भी देखी थी, तो अब हम ये ट्राई करना चाहते हैं। सो हम यहाँ रुके हैं ये लेने के लिए। हमने रोटी शायद कश्मीरी रोटी बोलते हैं इसे या लद्दाखी रोटी, आई डोंट नो। अभी हम एक ढाबे पर जा रहे हैं, छोटा सा ढाबा है यहाँ पर, पंजाबी ढाबा, वहाँ पर जाके खाते हैं इसे और आपको बताते हैं कैसा है ये। सो ये हमारी लद्दाखी रोटी और कुलचा, नॉट लद्दाखी रोटी, कश्मीरी रोटी और कुलचा, हम अभी ये ट्राई करेंगे और इसके साथ कुछ और भी ऑर्डर करेंगे हम। सो विल लेट यू नो कि कैसा है ये। सो ये रही हमारी राजमा चावल, और ये रही एक और थाली जिसमें है कड़ी पकौड़ा मिक्स वेज एंड राजमा अगेन। चलो भाई खाना शुरू करते हैं, बहुत भूख लगी है। सो खाना वाना खा लिया है और अब हम आ गए हैं ले मेन मार्केट की ओर। ये एक छोटी सी फ्ली मार्केट है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल आपको लॉकेट्स, चेन्स और की चेन्स या कुछ भी टिबेटन स्टफ, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्लैग्स एंड ऑल है लद्दाख की मेन मार्केट। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।